बॉलीवुड और खासकर ओटीटी ऐप्स जो आजकल वेब सीरीज पे वेब सीरीज बनाए जा रहे हैं, इनमें एक चलन सा लग गया है जिसमें हिंदू देवी देवता हिंदू धर्म का अपमान करें और सुर्खियां बटोरें। और इसी श्रेणी में शामिल हो चुकी है अमेज़न प्राइम पर रिसेंटली रिलीज हुई वेब सीरीज टांडो। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और जानिए क्या है विवाद और कौन है सही और कौन है गलत। तो टांडो वेब सीरीज रिलीज होते ही विवाद में घिरती नजर आ रही है। वेब सीरीज के पहले एपिसोड में जिशान अयूब भगवान शिव के वेश में नजर आते हैं और यूनिवर्सिटी के छात्रों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आखिर आपको किससे आजादी चाहिए। उनके मंच पर आते ही मंच के संचालक कहते हैं, नारायण नारायण, प्रभु कुछ कीजिए, राम जी के फॉलोअर्स लगातार सोशल मीडिया पर बढ़ते ही जा रहे हैं, मुझे लगता है कि हमें भी कुछ नई स्ट्रैटेजी बना लेनी चाहिए। इस पर शिव के रूप में नजर आ रहे जिशान अयूब कहते हैं, क्या करूं, क्या मैं तस्वीर बदल दूं? इस पर मंच के संचालक कहते हैं, भोलेनाथ आप बहुत ही बोले हैं। और इस सीन का जो पूरा पिक्चराइजेशन है वो काफी फनी बनाने की कोशिश की है निर्माता ने कि वो थोड़ा सा अपमान कर लें हिंदू देवताओं का, और इस पूरे सिनेरियो का जो पॉलिटिकल सिनेरियो पर जो टिप्पणी करने की कोशिश की गई है। वेब सीरीज के इसी हिस्से से लोगों को आपत्ति है। ट्विटर पर एक वर्ग का कहना है कि इस तरह शिव के रूप में दिखाना और भगवान राम के बारे में टिप्पणी करना ये स्वीकार नहीं है उन्हें। एक यूजर ने वेब सीरीज के इसी हिस्से को ट्वीट करते हुए लिखा है, अली अब्बास टांडो वेब सीरीज के डायरेक्टर हैं और इसमें पूरी तरीके से लेफ्ट विंग का एजेंडा बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, वो टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक भी रहे हैं और इसी तरह वो उनको ग्लोरीफाई भी कर रहे हैं। इसी वीडियो को हमने कोशिश की आपको दिखाने की, तो इस वीडियो को आप भी देखिए और जज करिए कि ये क्या करने की कोशिश की जा रही है। ईश्वर, ये राम जी के फॉलोअर दिन भर दिन सोशल मीडिया पे बढ़ते ही जा रहे हैं। मुझे लगता है हमें भी कोई नई सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी बना लेनी चाहिए। क्या करूं, नई फोटो लगाऊं? नाथ आप बहुत ही भोले, कुछ नया कीजिए, इनफैक्ट कुछ नया ट्वीट कीजिए, कुछ सेंसेशनल, कोई भड़कता हुआ शोला, जैसे कि हाँ कैंपस के सारे विद्यार्थी देशद्रोही हो गए, आजादी आजादी के नारे लगा रहे हैं। आजादी, इस सीरीज का एक और ऐसा हिस्सा है जिस पर लोगों ने आपत्ति जताई है। इस वीडियो में हम देख सकते हैं कि कॉलेज का युवा एक लड़की से कहता है कि एक छोटी जाति का आदमी जब ऊंची जात की औरत को डेट करता है तो वो उसे बदला ले रहा है, सदियों के अत्याचार का बदला उस एक औरत से। इसी हिस्से को लेकर लोगों ने आपत्ति जताई है और कहा जा रहा है कि इसमें हिंदू प्रोपोगंडा किया जा रहा है और देश को बांटने की कोशिश की जा रही है। जब एक छोटी जात का आदमी एक ऊंची जात की औरत को डेट करता है तो वो बदला लेना होता है सदियों के अत्याचारों का, सिर्फ उसे एक औरत से। हालांकि ऐसे भी लोग दिख रहे हैं सोशल मीडिया पर जो तांडव का बचाव करते हुए दिख रहे हैं और कह रहे हैं कि इसको सिर्फ एक नाटकीय रूपांतर की तौर पर देखा जाए और इमोशनली इससे अटैच ना हो। बात करें तांडव की तो इसे रिसेंटली अमेज़न प्राइम पर रिलीज किया है, इसी पे आप इसको देख सकते हैं। और अगर आपको भी लगता है कि ऐसा ही कुछ प्रोपोगंडा चलाया जा रहा है नेटफ्लिक्स या फिर बाकी जितने भी ओटीटी ऐप्स हैं अमेज़न प्राइम, तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इसे पहुँचाएँ। शुक्रिया।